हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंक्रीट स्ट्रक्चर एलिमेंट के बारे में, कि उनका मिनिमम थिकनेस कितना होता है एज़ पर IS कोड। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट है पाइल कैप। जो पाइल होता है उसके टॉप में कंक्रीट का स्लैब की तरह हम लोग बनाते हैं, उस कैप की तरह, तो उसको पाइल का कैप कहते हैं। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये पाइल कैप है और इसकी मिनिमम थिकनेस 600 mm 60 cm होनी चाहिए एज पर IS कोड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर एलिमेंट है लेवलिंग कंक्रीट बिलो लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर। जो लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसका जो बेस होता है बॉटम, उसको हम लोग लेवल करने के लिए जो कंक्रीट हम लोग करते हैं उसकी जो मिनिमम थिकनेस होती है वो 100 mm और 10 cm होना चाहिए एज पर IS कोड। और थर्ड एलिमेंट है लेवलिंग कंक्रीट फॉर अदर RCC फाउंडेशन। और अगर कोई अदर RCC फाउंडेशन है तो जो उसमें लेवलिंग कंक्रीट हम करेंगे वो मिनिमम 75 mm तक करना चाहिए, जिसको हम लोग PCC कहते हैं। हम लोग एक बेस पहले तैयार करते हैं, उसके ऊपर हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं, तो उसकी जो मिनिमम थिकनेस होती है वो 75 mm होना ही चाहिए। फोर्थ है की फुटिंग। सभी टाइप की फुटिंग, राफ्ट फुटिंग को भी लेके, लेकिन विदाउट बीम जो फुटिंग है उसकी जो मिनिमम थिकनेस है वो 300 mm होनी चाहिए फुटिंग की आपकी थिकनेस। और फिफ्थ है ग्रेड स्लैब्स। जो ग्रेड स्लैब होती है उसकी मिनिमम थिकनेस 150 mm होना चाहिए। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये ग्रेड स्लैब होता है। सिक्स्थ है अंडरग्राउंड पिट और रिजर्वायर बिलो ग्राउंड वाटर टेबल वॉल एंड स्लैब। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये अंडरग्राउंड पिट है या आप इसको रिजर्वायर कह सकते हैं। ये अगर बिलो ग्राउंड है टेबल तो जो इसकी मिनिमम थिकनेस है वो 200 mm होनी ही चाहिए। सेवन्थ है अंडरग्राउंड पिट एबव वाटर टेबल वॉल एंड स्लैब। अगर अंडरग्राउंड पिट है, लेकिन जो लास्ट वाला था वो बिलो वाटर टेबल था, ये अगर वाटर टेबल से एबव है तो जो इसकी वॉल और स्लैब होगी वो 200 mm की मिनिमम होगी। और जो कॉलम है या पेडेस्ट्रेल है उसकी जो लेंथ है, तो उसकी लेंथ बीड्थ डेप्थ वो 250 mm होगी। और जो बीम होता है, जो बीम की मिनिमम वीड्थ 250 mm और डेप्थ 300 mm होना चाहिए। और जो फ्लोर है या रूफ स्लैब है वॉकवे का, तो इसका मिनिमम 150 mm थिकनेस होना चाहिए। अगर पैरापिट वॉल है तो 100 mm थिकनेस होना चाहिए। अगर छज्जा है तो 100 mm थिकनेस होना चाहिए। और अगर केबल पाइप है टेरेंस वॉल की तो, या बेस स्लैब में, तो स्लैब की थिकनेस 150 mm होना चाहिए। नेक्स्ट है 14th प्रीकास्ट टेरेंस कवर। अगर टेरेंस कवर है वो प्रीकास्ट बोले तो पहले हमने उसको प्रीकास्ट कर लिया है, तो जो उसका मिनिमम कवर है वो 125 mm होना चाहिए। और इंसर्ट प्लेट मिनिमम उसकी थिकनेस 12 mm होना चाहिए। और अगर कॉर्नर एंगल है तो उसकी थिकनेस मिनिमम 6 mm होना चाहिए। तो दोस्तों, ये स्ट्रक्चर कंक्रीट एलिमेंट थे जिसकी थिकनेस हमको एज़ पर IS कोड फॉलो करना होता है साइड पे। तो हर सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए कि कितना थिकनेस किस एलिमेंट का होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।